Everyone, welcome to our channel Parisha for Competitive Examinations and I'm Shweta. So अभी आप पढ़ रहे वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके TCS examinations के लिए यूजफुल रहने वाले हैं. ओके, सो आज है डे 11. अभी तक हमने 10 क्लासेस कर लिया है. सो अभी आपने ये 10 क्लासेस नहीं देखा है तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिए, वहां से आपको 10 क्लासेस जो है मिल जाएंगी. राइट, सो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस. सो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है. सो अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो चेतन भगत ने रिसेंटली कुछ बुक नहीं लिखा तो ये गलत. सो इन्होंने भी नहीं लिखा, ये अरुंधति रॉय ने भी नहीं लिखा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष. राइट, सो यहाँ पे ये बुक में किसके बारे में लिखा गया है. यो यहाँ पे देखना, ह्यूमन ह्यूमन लाइफ के बारे में यहाँ पे लिखा है, साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट है जो, सो उसके बारे में भी लिखा है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या होता था पहले अर्थ का कंडीशन. ओके, सो पूरी तरह से बेसिकली इस बुक में क्या लिखा है, एनवायरनमेंटल क्राइसिस के बारे में इसमें लिखा है. ओके, याद रख लीजिए. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड ये बुक जो है रिलीज होने वाली है अक्टूबर में. अभी ये रिलीज नहीं हुई है, अक्टूबर में रिलीज होगा. राइट, सो विच स्टेट हैज प्लान टू सेटअप एन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल. सो कौन सी स्टेट है जो सोचा है कि प्लान किया है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. सो ये काउंसिल जो है 5 मेंबर काउंसिल होगा ये. ओके, इसमें 5 मेंबर्स होंगे और ये जो है सीएम को एडवाइस देंगे. ओके, ये 5 मेंबर्स जो है एक्सपर्ट रहेंगे उनके फील्ड में. ओके, और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु सीएम कौन है, तो वो है M.K. Stalin. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है. राइट, सो M.K. Stalin को यहाँ पे ये एडवाइस करेंगे ये 5 मेंबर्स कमिटी. ओके, सो अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स के बारे में बात करेंगे, तो लोकसभा में है 39 सीट्स एंड राज्यसभा में है 18 सीट्स. राइट, सो चलो समझ में आ गया है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंडिया हैज लॉन्च्ड ए हाइड्रोजन टास्क फोर्स विद विच नेशन. सो कौन सी नेशन के साथ जो है इंडिया ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा US. ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, किसके अंडर जॉइंटली जो है लॉन्च किया है इंडिया और US ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स, किसके अंडर, स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी के अंडर जो है इसको लॉन्च किया गया है, स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर. ओके, सो ये क्यों किया गया है, टू बूस्ट इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी. सो जो भी इंडिया का सिक्योरिटी है एनर्जी का, उसको बूस्ट दिलाने के लिए इस फोर्स को जो है लॉन्च किया गया है. और कब लॉन्च किया गया है, June 17 को. ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री सेटअप यानी सेटअप करने वाली है दिव्या गांता खेल केंद्र. सो यहाँ पे ये क्या है, सो जो भी डिजेबल्ड पर्सन्स होते हैं ना, डिजेबल्ड, ओके, सो उनके लिए है ये केंद्रास. तो उनके लिए क्यों है ये केंद्रास, ताकि उनका जो है ना इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में आए, इंटरेस्ट जो है स्पोर्ट्स में आए और वो पार्टिसिपेट करे पैरालंपिक्स में और इसमें जीत जाए. ओके, सो इसके बारे में जो है इस केंद्रास को जो है लॉन्च कर रहे हैं. ओके, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा. ओके, सो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके अंडर है ये मिनिस्ट्री, तो तवार चंद गहलोत के अंडर है. राइट,
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लॉ एंड मिनिस्ट्री ये किसके अंडर है, रवि शंकर के अंडर है ये मिनिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं लॉ एंड जस्टिस, दो बार आ गया है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे देखना होम मिनिस्टर, सो ये किसके अंडर है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है अमित शाह के अंडर है। ओके एंड अगर हम बात करते हैं कि पहला केंद्र जो है कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा पहले, तो फर्स्ट केंद्र जो है ओपन किया जाएगा अहमदाबाद में, राइट। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो बेस्ड ऑन द डाटा बाय द स्विस नेशनल बैंक, व्हिच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क्ड बाय सिटीजंस एंड एंटरप्राइजेस विद द स्विस बैंक इन 2020। सो 2020 की बात हो रही है। सो इंडिया के लोगों ने, आई मीन यहाँ पे टोटल होल सारे के सारे इंडियंस ने कितना मनी यहाँ पे डाला है स्विस बैंक में, सो इंडिया की रैंकिंग क्या है, सो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 51 आपका आंसर होगा। ओके सो अगर हम टॉप की बात करेंगे, सो किसने टॉप किया है इसमें, तो यूके ने टॉप किया है। ओके अगर हम किसने रिलीज किया है, तो स्विस नेशनल बैंक ने ही इसको रिलीज किया है। ओके सो यहाँ पे देखना, स्विस बैंक के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 16th of January 1906 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ओके इसकी हेडक्वार्टर्स जो है बर्न स्विट्जरलैंड में ही है। ओके सो यहाँ पे अगर इसकी चेयरमैन की बात करेंगे तो कौन है, थॉमस जॉर्डन है। सो अगर यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों स्विस बैंक में पैसे डालते हैं, तो ये जो है ना प्रोटेक्ट करती है प्राइवेसी ऑफ इट्स कस्टमर्स। सो यहाँ पे किसी भी इंसान है तो उसने स्विस बैंक में अगर पैसा डाला है तो ये किसी को भी नहीं बताता है कि इनके पास कितने पैसे हैं। ओके प्रोटेक्ट करती है। ओके इसलिए उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखना। सो विच योगा डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे देखना कौन सा ऐप है जो WHO ने के साथ कोलैब होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा एम योगा। ओके सो यहाँ पे हमने 2020-21 में जो योगा डे सेलिब्रेट किया था वो 7th योगा डे है। ओके सो यहाँ पे इसी दिन जो है 7th योगा डे में ही एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैब करके। सो अगर यहाँ पे देखना WHO ने किसके साथ यहाँ पे कोलैब किया है, तो आयुष के साथ कोलैब करके इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं आयुष के बारे में, सो इसके अंडर क्या 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 आते हैं, सो सबसे पहले देखना आयुर्वेदा आता है, योगा आती है, नेचुरोपैथी आती है, यूनानी आती है, सिद्धा एंड होम्योपैथी आते हैं इसके अंडर, राइट। सो योगा डे कब मनाते हैं, 21st of June को मनाते हैं। अगर इसका थीम के बारे में बात करेंगे, साल का थीम क्या आता है, योगा फॉर वेलबींग, राइट। द नेक्स्ट हम WHO के बारे में बात करेंगे, तो WHO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 7th of April 1948 को हुआ था। अगर इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनीविया में है। देन इसके डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करेंगे, तो हमने बहुत बार पढ़ा है टेड्रोस एधनॉम है, राइट। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा देश का इकलौता स्टेट कौन सा है जिसमें क्रोकोडाइल का 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज होते हैं उस स्टेट में। सो यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड कर दिया है क्रोकोडाइल का। सो ये वाला क्रोकोडाइल जो है उड़ीसा में ही मिलती है, इस तरह का जो है 3 स्पीशीज जो है 3 तरह के ये उड़ीसा में भी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके अगर यहाँ पे कौन से रिवर में ये क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, तो महानदी।
महानदी रिवर में यहाँ पे क्रोकोडाइल 3 स्पीशीज के मिलते हैं, ओनली ओडिशा में ही 3 स्पीशीज मिलती है। हमने तो क्रोकोडाइल ओनली जू में देखा था। यहाँ पे देखना, यहाँ पे सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी है सीएम। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गणेशी लाल है। लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स की बात करेंगे तो कितने लोकसभा सीट्स है? 21, राइट? एंड राज्यसभा के 10 है। यहाँ पे अगर हम ओडिशा की बात करेंगे, नेशनल पार्क देखना, यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है थोड़े, जैसे कि मानस नेशनल पार्क है, राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओके, और कौन से है, नामेरी है, ओके, और भी बहुत है। अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को का एक इम्पोर्टेंट साइट है यहाँ पे, वो कौन सी है? सन टेम्पल। ओके, सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क में है, राइट? इतनी सी बात याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज स्केड्यूल टू होस्ट द 2023 ODI वर्ल्ड कप? आप सारे लोगों को पता ही होगा, इंडिया इज द राइट आंसर। 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। अगली बार जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब इंडिया में खेलेगा इंडिया, तो 2023 में ऑब्वियसली जीत जाएगा। ओके, आप लोग क्या सोचते हो, इंडिया जीतेगा क्या 2023 में वर्ल्ड कप मैच? मैं तो हाँ बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच स्टेट इज एट द टॉप पोजीशन इन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव? यहाँ पे हर एक इंसान जो भी इंडिया में है, हर किसी को वैक्सीनेशन लगानी है, राइट? कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशंस लग रहे हैं? तो वो है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, राइट? सीएम कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे है। ओके, गवर्नर की बात करेंगे, भगत सिंह कोश्यारी है। लोकसभा सीट्स की बात करेंगे तो 48 है। राज्यसभा की सीट्स कितने हैं? 19 है। क्या आपने वैक्सीनेशन लगाया है क्या? मैंने तो वैक्सीनेशन नहीं लगाया था, क्योंकि लास्ट मंथ मुझे कोविड हो गया था, उसकी वजह से मुझे 3 मंथ तक रुकना पड़ता है अभी। आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। ओके, एवरीवन, सारे के सारे लोगों को वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी है, ले लीजिए। ओके, कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, मेरे कॉलोनी में भी बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSS is a new software released by the Union Health Ministry, stands for what? CSS का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोविड सिवियरिटी स्कोर क्या है? कोविड सिवियरिटी स्कोर होता है। ये जो है रिलीज किया गया है, एक न्यू सॉफ्टवेयर है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ये क्या करती है ना, जो भी इंसान है कोविड से अफेक्टेड है, उसको जो है स्कैन करती है थोड़ा सा और स्कोर दिखाती है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन लोगों को समझ में आती है, हॉस्पिटल वालों को समझ आती है कि उस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है कि नहीं, राइट? और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री किसके अंडर है अभी? हर्षवर्धन के अंडर है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज समर सोल्स्टिस ऑब्जर्व्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? कब ऑब्जर्व किया जाता है समर सोल्स्टिस डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? जून 21। समर सोल्स्टिस डे को और भी क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कहते हैं, और हम जून 21 को और एक चीज मनाते हैं, वो है योगा डे, याद रख लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च द जहां है जान सॉरी ये हिंदी में लिखा है, मैं तो इंग्लिश में पढ़ रही थी। जान है तो जहान है कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन। कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है सेट किया है लॉन्च करने के लिए, जहां जान है तो जहान है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो? मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके, ये किसके अंडर है अभी? आवाज ना
के पास है ये राइट नाउ ये मिनिस्ट्री। ओके, अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री के बाद में बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के पास है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। अगर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो थावर चंद के पास है, अभी अभी हमने पढ़ा था। ओके, सो ये याद रख लीजिए। सो चलो, वैक्सीनेशन तो हम सारे लोगों को लेना है, आप लोग वैक्सीनेशन जरूर ले लीजिए। ओके, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, हर एक कोई ये वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं। अगर नहीं लिया है तो अभी तक क्यों नहीं लिया है? ओके, मैंने तो अपना जो है सिचुएशन बता दिया कि मैंने क्यों नहीं लिया है, आप लोगों ने क्यों नहीं लिया मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। हम सारे लोगों को वैक्सीनेशन लेना इज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट एवरीवन? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल दूसरे सेशन के साथ। बाय बाय।